लखनऊ के घंटाघर पर जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस प्रोटेस्ट में एक बुरकानशी महिला की तस्वीर आपने बहुत देखी होगी कि पीठ में वो अपने बच्चे को बांधकर वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज्मा परवीन का। उज्मा परवीन वही बुरकानशी महिला है जो लखनऊ के घंटाघर पर जो सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा वहीं से वो उनको एक अलग ही पहचान मिली थी। उसके बाद फिर कोरोना आया, देश लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में भी उज्मा परवीन ने हार नहीं मानी और वो अपने को आगे लगातार बढ़ाती गई। न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वारा देखना है, हमें तो सिर्फ इस कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कुछ इसी सोच को लेकर लखनऊ की एक मुस्लिम लड़की बुरखा पहने हुए पीठ पर 16 किलो की स्प्रे मशीन लादकर स्कूटी से निकल पड़ती है लखनऊ की गलियों को सैनिटाइज करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जिसने अपनी पहचान घंटाघर पर हो रहे नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के प्रदर्शन से बनाई। पूरे प्रदर्शन में उज्मा परवीन अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर प्रदर्शन करती रहीं। उसके बाद समाज में उनको एक अलग पहचान मिली और अब जब इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो 25 साल की ये लड़की सैनिटाइजेशन का काम कर रही है और लखनऊ की गलियों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज करती रहती है। उज्मा जी, अभी आपने देखा कि मंदिर को सैनिटाइज किया आपने, तो क्या संदेश आप देना चाहती हैं? देखिए, हम ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से महामारी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसलिए कि हर एक को नगर निगम कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और मेरा संदेश उन लोगों के लिए भी है, जिस तरह से बीमारी का वायरस जो फैल रहा है और नफरतों का जो वायरस फैला हुआ है यानी पूरे में, तो उस वायरस को भी मिटाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत जो मंदिर से की गई और गुरुद्वारे और मस्जिद तक के जो शुरुआत मेरी थी और उन गलियों, उन तंग गलियों जहाँ पर नगर निगम की टीम पहुँचने में थोड़ा असमर्थ है, तो उनके साथ एक छोटी सी कोशिश कंधे से कंधा मिलाकर और वो संक्रमित इलाके जहाँ से मेरे पास कॉल्स आई कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो रही है, आप आकर सैनिटाइज़ कर दीजिए, तो मैं वहाँ गई, उन जगहों पे गई। तो मुझे ये लगता है कि ये एक कदम होना चाहिए हर इंसान का इंसानियत के प्रति। एक मुस्लिम महिला बुरका पहने हुए मंदिर को सैनिटाइज़ कर रही है, क्या देखा आपने? वो परंपरा है, हम लोग कब से यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, इसी तरह अगर ये सब आपस में मिलकर रहते तो कोई समस्या ही नहीं रहा है। अच्छा कहना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा कहना चाहिए, मंदिर में जाकर उसने किया तो इसके लिए उसको शाबाशी देनी चाहिए। हमारे लिए तो सब एक ही जैसा है। हाँ। मुस्लिम और हिंदू सब एक जैसे हैं, भगवान के बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ। और जो है ना, सबको जो है ना मिलजुल के रहना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए। हाँ। और हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, और हम लोग को अगर दिक्कत परेशानी होगी तो जान के निछावर भी कर सकते हैं। उज्मा उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसाद करते हैं। ये लड़की सिर्फ इन्फेक्शन को नहीं खत्म कर रही, बल्कि बाहर फैल रही नफरतों और कुरूतियों को भी खत्म कर रही है। उज्मा बताती है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो इस काम में लगी है और सैनिटाइजेशन के साथ साथ वो लोगों को राशन और मास्क भी दे रही हैं। अब तक उनका इस काम में 95,000 रुपए खर्च हो चुका है, जो पैसा उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए थे, वही पैसा आज वो देश को बचाने में लगा रही हैं। डे लॉकडाउन से, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस दिन से मैं ये वर्क कर रही हूँ। कितना अभी तक आपका पैसा लग चुका है? मेरा कम से कम लगभग ये सैनिटाइजर में 95,000 खर्च हो चुका है और कुल मिला के 3-4 लाख रुपए जो है राशन में मेरे खर्च हो चुके हैं। ये मेरे बच्चों की एजुकेशन के पैसे थे, ये सेविंग मैंने की थी अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए। तो मैंने अब जब देखा कि मेरी देश पर इतनी बड़ी आपदा आके पड़ गई और इतनी कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें अगर मैं सहयोग कर सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूँ। तो अभी आपने देखा कि एक मुस्लिम महिला उज्मा परवीन ने गलियों को सैनिटाइज किया, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को सैनिटाइज किया, अच्छा संदेश उन्होंने दिया और लोगों को जो है वो राशन भी बांटा, मास्क भी बांटा, तो ये उन नफरतों को ख़त्म कर रही हैं जो बाहर लोग फैला रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा और भी लोग जो हैं
वो उसको फॉलो करेंगे। सहयोगी वीरेंद्र के साथ मैं अब्दुल करीम, प्राइम टीवी लखनऊ।